सभी साथियों को जय हिंद। आज का एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट और सेकेंड दोनों शिफ्ट का हम जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम व्याख्या सहित लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न को कई शिफ्ट में रिपीट किया गया था। तो ये पूरे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ में आप ये भी समझ पाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ पर हम व्याख्या सहित सारे प्रश्न को देखने वाले हैं, तो आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल कौशिक जीएस अकेडमी पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर डेली एग्जाम का हम एनालिसिस लेकर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? तो पन्ना लाल घोष का संबंध है बांसुरी से। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक थे। जितने भी वाद्य यंत्र हैं और उसके वादक हैं आप उसे जरूर रट लीजिए, क्योंकि आगे अगले शिफ्ट में वो 100% पूछा जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि सितार के जो वादक हैं वो पंडित रविशंकर। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। उसके अलावा जो सरोद वादक है कौन है? सरोद वादक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। अमजद अली खान है इसके, कौन है? अमजद अली खान। इसके अलावा आप देख लेंगे कि तबला वादक जैसे जाकिर हुसैन हो गया और अल्लाह रखा खा हो गए, तो इन सारे प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका है केरल। आपको बता दूं कि केरल में जो महिला साक्षरता दर है वो है आपका 92.07, और केरल में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 96.11% है। तो आपको आगे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आप 2011 की जनगणना से आप लगभग टॉप जितने भी प्रश्न उन्हें देख लीजिएगा, और केरल का जो कुल साक्षरता दर है वो आपका 94% है, जो महिला पुरुष मिला के है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो भारत में जो महिला की साक्षरता दर है वो आपका है 65.46%, और भारत में जो पुरुष का साक्षरता दर है वो आपका है 82.15%, और भारत में जो कुल साक्षरता दर है वो टोटल महिला पुरुष मिला के तो वो है आपका 74.04%। तो आप इस सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए, क्योंकि आगे 100% प्रश्न में आएगा ही आएगा। जो भी टॉपिक पूछा गया है आप उसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, और इसमें क्या बने थे? अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये आप इससे रिलेटेड, आप संविधान सभा से रिलेटेड भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, बनालू उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो बनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। तो उत्सव त्यौहार से रिलेटेड भी आप प्रश्न को देख के जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि का मात्रक क्या है? तो ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा? ध्वनि मापा जाता है डेसीबल में। किसमें मापा जाता है? डेसीबल में। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आया था आपके फर्स्ट शिफ्ट का ही सारा प्रश्न है, लिएंडर पेस, थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो लिएंडर पेस का संबंध है टेनिस से। किस खेल से है? टेनिस से है। आप खेल और खिलाड़ी का भी देख लीजिएगा एक बार। अगला जो प्रश्न है आगे देख लीजिए, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप का संबंध है, आपको बता दूं कि हॉकी से। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। उसके बाद हॉकी से आपका आगा खां कप का भी संबंध है, आपका हॉकी से संबंध है। उसके अलावा आप बैडमिंटन से, जैसे बैडमिंटन से आप देख लीजिए, बैडमिंटन से आपका हो जाएगा कौन सा? बैडमिंटन से आपका है उबेर कप। बैडमिंटन से आप उबेर कप याद रखिएगा, जो VVI है। इसके अलावा आप याद रखिएगा टेनिस से, टेनिस का जो बहुत महत्वपूर्ण है वो डेविस कप है, फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा पूरा, इम्पोर्टेंट जितने हैं। जैसे गोल्फ से है तो गोल्फ से आप राइडर कप देख लीजिएगा। तो ये सारा प्रश्न आज पूछा गया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है आपका, तो देख के एक बार जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, एशिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एशियन गेम्स 2023 का आयोजन आपका चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। तो थोड़ा सा जो वर्ल्ड लेवल के जो इंटरनेशनल गेम्स वगैरह उससे रिलेटेड भी प्रश्नों को आप देख के जाएंगे। अगला प्रश्न है,
देख सकते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न, जो भारत का जो फर्स्ट पहला भारत रत्न लेने वाला व्यक्ति कौन है, पहली महिला कौन है, इस सारे प्रश्न को आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि नीति आयोग किसके स्थान पर स्थापित किया गया है, तो नीति आयोग पहले योजना आयोग के रूप में जाना जाता था 2014 में जब मोदी सरकार आई, तो इसे किस आयोग में बदल दी, तो नीति आयोग में चेंज कर दी। तो इस तरह से जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। उसके बाद कश्मीर के लोग नवरोह उत्सव को किस देवी को समर्पित करते हैं, तो नवरोह उत्सव जो है वो सारिका देवी को समर्पित करते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, लेवल ठीक ठाक है, एक बार आप पूरे रिवीजन करके जाइए। खासकर जो आपका विविध वाला प्रश्न है उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, तो बिरजू महाराज का संबंध है लखनऊ घराना से। किस घराना से संबंध है, लखनऊ घराना से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो सारा मिसलेनियस प्रश्न पूछे गया है। उसके बाद नृत्य से आप देख लीजिएगा, ओडिसी आई होगा, ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ओडिसी नृत्य का संबंध ओडिशा से है। बाकी आपका कई जैसे कथक का संबंध केरल से है, कथकली, कथकली केरल से, कथक का संबंध आपका उत्तर प्रदेश से है। तो ये सारा थोड़ा सा नृत्य भी आप देख के जाएंगे, ठीक है। ये सारा जो ये सेकंड शिफ्ट का है, यहाँ कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, उत्तर भारत से, यानी यूपी से संबंधित है। आप यहाँ पे पहले मैं बता दिया कि खिलाड़ियों के बारे में भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, मीराबाई चानू का संबंध है मणिपुर से। किससे संबंधित है, मणिपुर से। उस तरह से सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, जो बड़े बड़े नाम है खिलाड़ियों का, रोहित शर्मा या अन्य नाम जो है, उन्हें भी आप एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न जो आया है आज के एग्जाम में वह है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CIA के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष जो है रवनीत कौर है। कौन है, रवनीत कौर। तो थोड़ा सा प्रेजेंट में जो मंत्री है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बारे में जो भी आप राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें देख लीजिएगा एक बार। साथ में अगर आप हमारा करेंट अफेयर का क्लास नहीं किए हैं तो हमारे क्लास में बिल्कुल बताया गया है। साथ में वर्तमान में कौन क्या है वो भी हमारे चैनल पर आपका वीडियो उपलब्ध है, आप एक बार जाके देख लीजिए। करेंट अफेयर से रिलेटेड 3-4 वीडियो में डाला हूँ, उसको देख के जाएंगे तो आपका 5-6 प्रश्न 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन था आपका कठोर और आसान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कठोर। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। तो आप एक बार बॉर्डर लाइन को भी देख लीजिएगा, जैसे रेड क्लिफ रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में है, जैसे रेड क्लिफ रेखा आपका भारत पाकिस्तान के, रेड क्लिफ किस में है, इंडिया और पाक में है, और आपका डुरंड रेखा किस में है, तो भारत और अफगानिस्तान में है। तो इन रेखाओं को आप एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिएगा इस तरह से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देख सकते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो महिला साक्षरता दर है वो 60.46 है। तो इस तरह से लगभग जितने भी टॉप क्वेश्चन थे जो हमें मिला है वो सारा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इन सारे टॉपिक को आप एक बार कवर कर लीजिए। हम हिंदी का भी कोशिश करें कि पूरा का पूरा प्रश्न आपके लिए लेकर आएँ, ताकि आपको एक लेवल पता चल सके कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि पूरा पूरा एनालिसिस लेकर आने वाले पूरे एग्जाम को। और पता है कि पिछले बार भी रिपीट हो रहा था, पिछला प्रश्न अगले एग्जाम में पूछा जा रहा था, तो इस बार भी वो 100% होने की संभावना, पिछला प्रश्न रिपीट होगा। और खासकर आपको टॉपिक पता चला है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए जल्दी से हमारे चैनल से। चलिए जल्दी से हम हिंदी का भी प्रश्न लेकर आने वाले हैं।